नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार, मेरे YouTube चैनल ऑल प्रिपरेशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश 50 मार्क्स में नोबेल में मिकावेयर का हिंदी में समरी पढ़ेंगे। इसका पिछले वीडियो में इंग्लिश में समरी पढ़ लिए थे, तो आज उसी का हिंदी में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाए और हम एग्जाम में अच्छा नंबर उठा सके। तो मिकावेयर का हिंदी में समरी पढ़ने चलते हैं। तो हम लोग मिकावेयर का हिंदी में समरी पढ़ते हैं। यदि हम लोग को इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नोवेल जो डेविड कॉपरफील्ड का है, उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड, मिकावेयर का चरित्र चित्रण करें। एग्जाम में इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, तो इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही लिखना है, पर क्वेश्चन इस तरह से भी हिंदी में जो आएगा तो मिकावेयर का चरित्र चित्रण करें। तो आज हम लोग जो इंग्लिश में कल पढ़े थे, आज हम लोग उसी का हिंदी में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, चार्ल्स डिकेंस को महान मानवतावादी लेखक माना जाता है। उन्होंने कई आनंददायक चरित्र को उत्पन्न किया है। यह चरित्र अमर है, मिकावेयर उनमें से एक है। ऐसा माना जाता है कि मिकावेयर का चरित्र उनके अपने पिता के चरित्र पर आधारित है। मिकावेयर एक हट्टे कट्टे मध्यम उम्र के व्यक्ति हैं। उनके सिर पर ज्यादा बाल नहीं है। उनका चेहरा प्रभावशाली है, उनका कपड़ा शानदार है, लेकिन वे कॉलर वाला शर्ट पहनते हैं। उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहता है। वे एक दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। वे हमेशा दूसरों का मदद करते हैं। वे डेविड के प्रति बहुत जागरूक तथा उदार हैं, जो उनके परिवारों के साथ रहता है। वे डेविड के बुआ को उनका रुपया लौटाने में मदद करते हैं। वे बहुत आशावादी हैं और मानते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए वे हमेशा खुश और उदास ही रहते हैं। फिर भी वे बहुत खर्चालू हैं तथा अपने चादर के अनुसार पांव नहीं फैलाते हैं। उन्हें हमेशा पैसों की तंगी रहती है। उन्हें जेल जाना पड़ता है जब वे अपने कर्ज देने वाले व्यक्ति को पैसा नहीं लौटा पाते हैं। वे एक प्यारे पति हैं। उनकी पत्नियां उन्हें बहुत महत्व देती है। दोनों खाओ पियो और मौज करो में विश्वास करते हैं। वे एक जागरूक पिता भी हैं। वे उड़िया हिप के गुड़ागर्दी को उजागर करते हैं। उनमें हंसाने की बहुत क्षमता है और वे प्रायः हंसी मजाक पसंद करते हैं। वास्तव में मिकावेयर एक नहीं भूलने योग्य चार्ल्स डिकेंस का हास्य रचना है। हम लोग इसका हिंदी में भी समरी पढ़ लिए, मिकावेयर का, जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड का, जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। तो आप लोग इसका इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो आप लोग को अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर हिंदी में भी अगर याद रहता है, अगर इंग्लिश का आपको याद नहीं हो पाता है, तो हिंदी में आप इसका समरी अच्छा से कहानी तरह याद कर लीजिए और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को इंग्लिश के 50 मार्क्स के वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इंग्लिश 50 मार्क्स में अच्छा नंबर ला सकें। कल हम लोग डेविड कॉपरफील्ड में ही अनदर कैरेक्टर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अनदर कैरेक्टर के साथ। धन्यवाद।